नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भागलपुर में 39 जगहों पर बनेगा अस्पताल, फंड भी मिले लेकिन जमीन नहीं मिल रही तो मामला लटका। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, सितंबर से चलेगा सत्र। मुजफ्फरपुर में दुधिया रोशनी से जगमग होगा कांवरिया पथ, लगाई जाएगी एलईडी लाइटें, श्रावणी मेला की तैयारी शुरू। बिहार में जमीन के दस्तावेज के लिए नहीं खर्च होंगे अधिक पैसे, दाखिल खारिज के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव। बिहार के शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को सौंपा पत्र, कहा समय समय पर परीक्षाएं न होने से छात्रों का भविष्य अधर में। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 24 जून से केवल एक हफ्ते तक चलेगा सदन। बिहार पुलिस के पुलिसकर्मियों को मिलने वाली है बड़ी राहत, अब होगा मनचाहा तबादला। बिहार में फिलहाल बालू खनन पर रोक, घाटों की बंदोबस्ती के लिए नए सर्वे रिपोर्ट का इंतजार। भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है। सरकार ने इसके लिए फंड कार्य एजेंसी को उपलब्ध करा दिया है। जिले में 39 स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण मामला लटक गया है। जिस प्रखंड में अस्पताल बनना है वहाँ के वर्तमान चिकित्सा पदाधिकारी जमीन उपलब्ध कराने में हाँफ रहे हैं, जबकि सिविल सर्जन अंचलाधिकारी से मिलकर जमीन उपलब्ध कराने का आदेश कई बार दे चुके हैं। जमीन को लेकर निर्माण एजेंसी BMSCL पटना के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार ने DM को पत्र लिखा है। इसमें एजेंसी ने जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कोरोना काल व उससे पहले के फिटनेस फेल हो चुके वाहनों का जुर्माना माफ होगा। इससे जिले के करीब 23,000 से अधिक सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा जिनका फिटनेस कोरोना काल व उससे पहले फेल हो चुका था। इसे लेकर परिवहन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सूबे के सभी DTO को निर्देश जारी कर दिया है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्होंने फिटनेस फेल होने पर जुर्माना वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया है। विभाग ने इसके अनुपालन के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया है और इसे विभाग के सॉफ्टवेयर में शुक्रवार को अपडेट भी कर दिया गया है। कोरोना काल और बढ़े टैक्स की मार झेल रहे व्यवसायिक वाहन मालिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। DTO ऑफिस में प्रतिदिन इसको लेकर दर्जनों वाहन मालिक पहुंचते हैं। पहले दिन DTO ऑफिस में करीब 4 दर्जन से अधिक वाहन मालिकों ने इस सेवा का लाभ लिया। इनमें से एक वाहन मालिक का फिटनेस वर्ष 2017 में फेल था, जिनका जुर्माना करीब 92,000 रुपये बन रहा था, लेकिन अब केवल निर्धारित रिन्यूअल शुल्क जमा करने के साथ ही फिटनेस रिन्यूअल हो गया है। 17 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला की प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे ने मीटिंग कर इंजीनियर व सफाई से जुड़े अधिकारी व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में नगर निगम के कनिया से लेकर अधीक्षण अभियंता तक मौजूद थे। स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर प्रोजेक्ट के तहत कांवरिया पथ पर CCTV कैमरा एवं चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने की कार्रवाई शुरू है, जिसे 30 जून तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। स्मार्ट सिटी के लिए चल रहे हरिसभा एवं अंगोरिया बाजार चौक के सौंदर्यीकरण कार्य को भी सबसे पहले पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा नगर निगम अपने स्तर से एजेंसी का चयन कर पूरे रूट एवं बाबा नगरी के आसपास के गली मोहल्ले में 1500 LED स्ट्रीट लाइट लगाएगा। इससे कांवरिया पथ दुधिया रोशनी से जगमग करेगा। साथ ही 200 से 400 मीटर की दूरी पर कांवरिया पथ एवं शहर के अन्य रोड में स्थायी पियाऊ का निर्माण होगा। बिहार में जमीन का दाखिल खारिज को लेकर वाजिब लोगों को बार बार DSLR कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भूमि सुधार उप समाहर्ता अब किसी हाल में 2 से अधिक बार दाखिल खारिज वाद को स्थगित नहीं कर सकेंगे। उक्त जानकारी वो एवं राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार ने शुक्रवार को जमुई में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के मुताबिक सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को पत्र देकर अधिनियम की धारा 7(4) के मुताबिक 30 कार्य दिवस में म्यूटेशन वाद के निपटारे का आदेश दिया गया है। 1 अगस्त 2021 को भूमि सुधार उप समाहर्ता म्यूटेशन अपील कोर्ट में सुनवाई की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अब आम जनता अपील एवं सुनवाई को ऑनलाइन देख सकता है। 31 जुलाई को ऑनलाइन दाखिल खारिज की वेबसाइट बिहार भूमि को नए तेवर और कलेवर में दोबारा लॉन्च किया गया। अब मोबाइल फोन के जरिए भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्रों के विलंब से चलने और समय पर परीक्षाएं नहीं होने से छात्रों को हो रही परेशानियों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान से मुलाकात की। इस संबंध में सरकार की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी सौंपा। पत्र में शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि खास तौर पर मगध विश्वविद्यालय बोधगया और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। मगध विश्वविद्यालय में नियमित पदाधिकारियों की कमी है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में विभिन्न कारणों से परीक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे बिहार के विश्वविद्यालय का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कई विद्यार्थी मिले हैं जिनका चयन अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय में परीक्षाएं न होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इससे छात्रों में असंतोष पनपता है, साथ ही सरकार के लिए असहज स्थिति बनती है। शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों की बैठक बुलाने और उन्हें प्रभावकारी निर्देश देने का आग्रह किया है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का कार्यक्रम तय हो गया है। आगामी 24 जून से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 24 जून से लेकर 30 जून तक मॉनसून सत्र चलेगा। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की बैठकें आयोजित होगी। मॉनसून सत्र केवल एक हफ्ते का होगा। शुक्रवार यानी कि 24 जून को सत्र की शुरुआत होगी। 25 जून को शनिवार और 26 जून को रविवार होने की वजह से सदन की बैठक नहीं होगी, जबकि 27 से लेकर 30 जून तक सदन चलेगा। इस दौरान सदन में कई राजकीय विधेयक लाए जाएंगे। सरकार की तरफ से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया जाएगा, साथ ही गैर सरकारी संकल्प भी लिए जाएंगे। मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने नजर आएंगे। हालांकि विपक्ष के पास इस छोटे सत्र में करने के लिए बहुत कुछ ही रहेगा, जबकि सरकार की तरफ से कई विधायकों को सदन में स्वीकृति करना अपनी प्राथमिकता से सबसे ऊपर होगा। इसके अलावा सरकार वित्तीय कार्य की भी निपटारा करेगी। बिहार पुलिस ने इस महीने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। लंबे समय से एक ही जिले में जमे पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया है, जिससे कई पुलिस वाले अपने पसंद के इलाके या तो गृह जिले से काफी दूर हो गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में रिटायरमेंट के करीब वाले पुलिसकर्मियों का भी अपने पसंद के इलाके में ट्रांसफर किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में इसकी कवायद शुरू हो गई है। वहीं सेवानिवृत्त के एक और दो साल शेष रहने पर ऐच्छिक जिला और गृह जिला में पदस्थापित करने का नियम है। इसका निर्णय मुख्यालय स्तर पर बने स्थानांतरण समितियों को करना होता है, मगर लंबे समय से समिति की बैठक नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर स्थानांतरण को लेकर पहले माह ही एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार की अध्यक्षता में तबादला के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सभी जिलों में तैयार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बालू घाटों की बंदोबस्ती होगी। विभाग के संयुक्त सचिव ने जानकारी दी है कि बालू घाटों की बंदोबस्ती की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि 1 जून से ही बालू घाटों से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। इससे निर्माण कार्य करा रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खबर ये भी आ रही है कि बालू घाटों से बालू खनन पर रोक की अवधि बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये असामाजिक तत्वों की चाल है, जिससे लोग भ्रमित हो सके और दुगुने दाम उनसे बालू खरीदे। फिलहाल 16 जिलों में बालू घाटों से बालू का खनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 मई तक ही पुरानी व्यवस्था के तहत बालू का खनन किया जा सकता था। अब जिलों में तैयार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नए घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। फिलहाल नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर, अरवल, गया, पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई और लखीसराय में बालू घाटों की बंदोबस्ती की गई थी। हालांकि इन जगहों पर भी बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। करीब 3 महीने के बाद देश में संक्रमण के आंकड़े वापस डरावने लगने लगे हैं। एक दिन में कोविड-19 के 4000 से अधिक नए मामले पाए गए हैं। आम से लेकर खास लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इधर बिहार में भी कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सीमांचल व कोसी के इलाकों में कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं भागलपुर में 2 दिनों के अंदर 3 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। भागलपुर जिले में विगत 2 दिनों में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। तीनों संक्रमित भागलपुर शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से एक 24 वर्षीय युवक विकनपुर, दूसरा 24 वर्षीय युवक आदमपुर व तीसरे 60 वर्षीय वृद्ध घंटाघर इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से विकनपुर निवासी संक्रमित मरीज की एंटीजन जांच मायागंज अस्पताल में सर्दी खांसी व बुखार के इलाज के दौरान की गई थी।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में जल्द 702 डेंटल हाइजीनिस्ट की नियुक्ति होगी। बिहार सरकार ने हाल ही में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि डेंटल हाइजीनिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जल्द पत्र भेजा जाएगा। यह पहला अवसर है जब राज्य के सरकारी अस्पतालों में डेंटल हाइजीनिस्टों की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट की डिग्री अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति 36 जिला अस्पतालों में 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 71 रेफरल अस्पतालों और 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति की जाएगी। डेंटिस्ट्री काफी आकर्षक पेशा है, लेकिन इन दिनों इस फील्ड में अन्य सहायक करियर के अवसर भी पैदा हुए हैं। उनमें से एक है डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट यानी कि वह इंसान जो आपके दाँत को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने के बारे में बताता है। हाल के दिनों में डेंटल हाइजीनिस्ट की मांग काफी बढ़ी है। दरअसल लोग अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने पर ध्यान दे रहे हैं। ओरल यानी मौखिक स्वास्थ्य भी इसका एक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में डेंटल हाइजीनिस्ट की काफी मांग हो सकती है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।